आ एंजिला, आ आ तू आ एंजिला, तेरी ऐसी की तैसे। आज की इस वीडियो में हम लोग एंजिला स्पाइडर को मारने जा रहे हैं और ये भी देखेंगे एंजिला स्पाइडर मरती है क्या नहीं। मेरे को यार देखना है क्योंकि मैंने तब से गेम खेला पर तो एंजिला को पर मैंने अभी तक मारा नहीं है, उससे बच के भागा। पर तो आज की इस वीडियो में हम लोग एंजिला को पीलेंगे और यहाँ से मैंने गैस कैन को भी उठा लिया है, इसको भी यूज़ करेंगे। तो गैस कैन को पर गन मारते तो अच्छा खासा ब्लास्ट होता है। यहाँ से स्प्रे भी मैंने उठा लिया, स्प्रे को भी फेंक देते हैं उसी के अंदर, क्योंकि भाई स्प्रे की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो जो अटैक हम लोग ग्रैनी को पर करते हैं वही एंजिला को पर करेंगे और वहीं से हम लोग सीवर एस्केप भी करेंगे। इसलिए मैं कटिंग वायर को भी ले आया हूँ और वहाँ रस्सी की भी डाल दिया था, रस्सी पेटलॉक की, वो तो मैंने पहले ही डाल दिया था। और इधर मैं इसको भी डाल देता हूँ। अब मेरे को लीवर भी चाहिए, वहीं से लूँगा सीवर स्केप भी कर लूँगा। ठीक है, ये डल गया है। अब इसके बाद मैं और भी वेपन ढूंढ के लेकर आता हूँ। शॉर्ट गन भी अपने को ढूंढनी है। ठीक है, शॉर्ट गन के सारे पार्ट मेरे को लगाना है। किधर है भाई? हाँ ये रहा, इसको इधर लगा देता हूँ। एक और पार्ट चाहिए अपने को। ठीक है, मैं जल्दी से लगा दिया और यहाँ से अपन ने शॉर्ट गन को भी रिलोड कर लिया है। अब इसको भी डाल देता हूँ ये। हाँ ठीक है, शॉर्ट गन यार फालतू में यार दब गया यार, गलती से मैं दबाना नहीं चाह रहा था पर तो दब गया। तब भी कोई बात नहीं, शॉर्ट गन का मैंने डाल दिया है और यहाँ से मैं यार वेपन का भी उठा लेता हूँ। भाई इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको भी मैं इधर डाल देता हूँ। बस सारे सामान हो गए ना इकट्ठा। हाँ लीवर की ज़रूरत है भाई, लीवर। हाँ नहीं भी, इसको तो मैं भूल ही गया था गाइस, ये फ्रीजन वाला। अरे भाई साहब नीचे चले, ये तो मेरे ही को फ्रीज कर दी से यार इसकी भैंस का साल। मेरे को क्या फ्रीज करने की ज़रूरत थी? अब यार मैं अब थोड़ी देर हिल नहीं सकता। हाँ चलो, इफ़ेक्ट इसका कम हुआ। ठीक है, मैं जाके लीवर को भी ढूंढता हूँ। ये रहा लीवर, लीवर को भी ढूंढ के लिए आया हूँ। ठीक है, अब चलता हूँ मैं नीचे की ओर। सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है सामग्री। अब ये सब एक एक सामान कर करके मैं नीचे फेंक देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले गैस कैन, लीवर, ये शॉर्ट गन, मैं सब नीचे फेंक के आ गया हूँ गैस, और सब सामान लेके आ गया हूँ। और बेटा एंजिला किधर हो? तुम इधर हो? अरे तेरे को पास सबसे पहले ये वाला वेपन यूज़ करूँगा, तू अब बच नहीं पाएगी मेरे। किधर भाग रही है यार? जा इधर ही था, इधर। अबे यार उधर चली गई, अब चलो इधर ही आएगी वापस। आ तेरी ऐसी कितना ऐसी है, अब कुछ असर ही नहीं हुआ इसके ऊपर तेरी। मैं तो इसके ऊपर असर होगा। चल इधर आ, मैं इसको जल्दी उठा लेता, एक बार फिर ट्राई करता हूँ उसको मारने को। ठीक है, थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। अब इधर पोजीशन ले लेता हूँ आराम से बैठ के। और ये उधर गई है ना, तो ये इधर ही आएगा। तेरी ऐसी कितनी ऐसी चल, अभी भी नहीं मरा, मतलब ये वेपन बेकार है। तो मैं जल्दी जल्दी भाग गया, तो भाई बचना भी बहुत ज़रूरी है, सारे वेपन हमको इस्तेमाल करना है। फिर से मैं उठा लेता हूँ एक बार फिर से लास्ट ट्राई। और इधर अट, तेरी ऐसी कितनी ऐसी। अब कुछ असर ही नहीं हो रहा यार, मतलब तो इसको असर होगा पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ। फिर से मेरे को उठाना होगा। किधर है? ये रहा ना, तुझे एक बार और लास्ट ये ले। अबे भाई इसको पकड़ नहीं हो रहा, ये बेकार वेपन। तो मेरे को जाके फिर से उठा के लेके आना होगा। अब कि मैं कौन से वेपन उठा के लेके आऊँ? शॉर्ट गन। अब देखो शॉर्ट गन असर होता है। देख इधर हट, ओह कुछ हुआ है, कुछ हुआ भाई। ये देखो पूरी हिल गई है भाई साहब, पर तो यार बेहोश नहीं हुई। फिर से मैं शॉर्ट गन को रिलोड करके आ गया हूँ। अब इसको मैं वेट करो इधर, सारी जल्दी से आए, मैं इसको फोड़ डालेगा पुल। पर तो असर तो हुआ था भाई, पर तो बेहोश नहीं हुई। किधर है भाई? किधर है? इधर है ना। आ तेरी ऐसी हट तेरी। ये देखो भाई, भाई फिर से मैं रिलोड करके आ गया। फिर कहाँ गए स्पाइडर? मैं तब से ढूंढना किधर गए। पर तो यार इसको पर असर तो हो रहा है, पर तो बेहोश नहीं हो रही है जैसे ग्रैनी बेहोश होती है। ये रहा ये स्पाइडर, मेरे थोड़ा दूर जाए। अब देख चल इधर ही आ रहा है, इसका वेट करता हूँ। इधर ही आ रहा है भाई साहब, देख ले तेरी ऐसी की तैसी। ये देखो भाई पूरा हिल ले रहा है पर तो मर नहीं रहा है, मतलब इंजीनियर के ऊपर भी ये वाला वेपन बेकार है। फिर से जाकर रिलोड करके आना होगा भाई। फिर से आ गया मैं रिलोड करके। ठीक है, फिर से एंजिला किधर है? इधर ही है ना भाई, बट ढूंढना पहले पड़ेगा। देख लेता हूँ। हाँ इधर ही है भाई साहब, एंजिला इधर ही है, इधर ही है। रुक जा, तेरे को मैं देता हूँ खाने भर का भाई। तेरी तेरी भैंस की साल, साल तभी बेहोश हुई नहीं भाई। असर तो हो रहा है पर तो बेहोश नहीं हो रही है, मतलब ये एंजिला इसमें बेहोश होगी नहीं। बस इसको अब स्प्रे की बारी है, देखते हैं स्प्रे का कुछ असर होता है क्या नहीं इसकी भैंस का। किधर है भाई एंजिला? ना इधर ही है ना, पर तो ये थोड़ा सा पास से यूज़ करना पड़ेगा और दूर भी रहना होगा भाई। बस यार तेरे को पर कुछ असर ही नहीं हुआ यार, आँख बंद हो जानी चाहिए इसकी। फिर जो पहले पीछे मुड़े, क्योंकि अचानक से मुड़ के पकड़ लेगी मेरे को।
स्प्रे कर रहा हूँ भाई साहब, दौड़ा हूँ प्लीज, कुछ असर नहीं हो रहा इसके ऊपर, अब यहाँ से मैं आराम से यूज़ करता हूँ। और तेरी ऐसी तेजी, अबे कुछ असर ही नहीं हो रहा इसके ऊपर, और लो स्प्रे भी ख़त्म, अरे डिस्की भैंस का, कल कुछ असर ही नहीं हुआ। चलो अभी ये फ्रीज वाला हो गया, फ्रीज वाला यूज़ करता हूँ। ओ भाई साहब, और फ्रीज वाला भी कुछ यूज़ नहीं हुआ, भागो भागो जल्दी भागो, तो यार मार लेगी, और जल्दी से मैं इधर घर बोल रहता हूँ इसकी भैंस का साले, दौड़ा डाले। और ये गैस कैन ले आया और शॉट गन का भी रिलोड करके आ गया हूँ। सबसे पहले एंजिलन देख तो किधर है, इधर ही आ रही भाई साहब, और ये गैस कैन को फोड़ डालेगा मैं, ठीक है। जैसे आपको पता है गैस कैन के ऊपर मारूंगा तो पूरा अच्छी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। एंजिलन का वेट कर रहा हूँ, हट तेरी, ओ भाई साहब असर हुआ, असर हुआ, पर तो कुछ बेहोश नहीं हुए यार, मरी नहीं इसकी भैंस का सर, मर जाती रे, बढ़िया रहता। तू बहुत ज़्यादा वही है, ताकतवर बनी हुई है ना, तेरे को मैं फोड़ डालेगा साली। चलो इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ, शॉट गन का भी नहीं। तो गाइस मैं फिर से आ गया, टैडी लेके आ गया आपकी टैडी का पता नहीं क्या होगा, पर देखता हूँ कैट टैडी देखे तुरंत भागती हुई आएगी, हाँ पता रहे देखते हुए आएगी तुरंत, क्योंकि टैडी को बहुत लेके आना जरूरी है ना। और तेरी ऐसी कहते ऐसी आँखें देख बिल्कुल लाल हो गई, खतरनाक इसकी भैंस का आँखें देख, खतरनाक। टैडी को कुछ करेंगे तो क्या मरेगी, नहीं मरे मरेगी नहीं, ओ फिर से सफेद हो गए, फिर से फिर से उठा लेंगे, फिर से आँखें लाल हो जाएंगी। शॉट गन को लेके आ गया मैं, शॉट गन में रिलोड भी कर लाया हूँ, अब आया इधर, इधर साउंड कर देता हूँ, आ जाए ना इधर, टैडी भी इधर, टैडी को भी पकड़ लिया है। अब मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ, अगर टैडी को हार मिलेंगे तुरंत दौड़ते हुए आएगी मेरे पास, आँखें भी लाल आएगी, तब से शॉट गन यूज़ करके देखता हूँ देखो क्या होता है, खतरनाक होना चाहिए। और बस यार ये थोड़ी देर के लिए हिल जाती, फिर इसका आ जाती है अपने नॉर्मल फॉर्म में, मतलब बेहोश नहीं होती है यार इसके भैंस का, इसको बेहोश करने का और कोई तरीका नहीं है एंजेलिना का, इसकी ऐसी के तेज हट यहाँ से, बस यही गन खींच के मारेगा, गन खींच के मार के होता रहे मज़ा ही आ जाते हैं। चलो गाइस अब यहाँ से मैं एस्केप कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सारे वेपन इस्तेमाल कर लिए हैं और एंजेलिना के ऊपर कुछ हो नहीं रहा, एंजेलिना स्पाइडर के ऊपर। गाइस आप कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा एंजेला को कैसे हम बेहोश कर सकते हैं, आपको भी पता हो तो बताइएगा, ठीक है गाइस। और यहाँ से मैंने सीवर एस्केप कर लिया है, ये रही ग्रैनी, ग्रैनी नहीं है भाई एंजेला है, क्योंकि मोड में ये है सिर्फ एंजेला। भाई साहब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना एंड कमेंट भी कर देना भाई साहब, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, ऐसे और फनी वीडियो के फ़न के लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।